हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड की। यदि आप सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में थे तो कैसी रही कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास? सही थी? थोड़ा बहुत समझ में आया? चल ठीक है। अभी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लास स्टार्ट करेंगे हम इंडियन पीनल कोड 1860 इन कंपैरिजन बीएनएस 2020। ठीक है, आप लोग प्लीज सब अपना माइक म्यूट रखिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तब आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अब मैम, बीएनएस पूरा कंप्लीट करवाओगी क्या? जी नहीं, मैं आपको बीएनएस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको इंडियन पीनल कोड ही बताऊंगी। और यदि कुछ ऐसा एडिशनल है जो इन दोनों में क्या है डिफरेंट है, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यदि इन दोनों में मतलब मोस्टली चीजें सेम ही है, जो वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंस थे जब हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड में, ये दे रखे हैं शायद 354, और मतलब बहुत पीछे जाकर दे रखे हैं बीएनएस में, ये इनिशियल स्टेजेस पे दे रखे हैं। ठीक है, मोस्टली ये चीजें मतलब थोड़ी बहुत चीजें ये डिफरेंट है, बाकी जैसे कुछ भी डिफरेंट हो, सेडिशन की डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीजें मैं आपको इन कंपैरिजन पढ़ाती जाऊं। ठीक है, आ जाइए। क्या क्या होता है इंडियन पीनल कोड पढ़ने से पहले, लाइक क्लास की जो भी बातें हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, ये मैं सुबह भी बता चुकी कि भाई प्री के तरीके से भी पढ़ाएंगे, मेंस के तरीके से भी पढ़ाएंगे और इंटरव्यू के तरीके से भी पढ़ाएंगे। रश्मि मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी है, तो मैं उन चीजों में टाइम खराब ना करके स्टार्ट करती हूँ इंडियन पीनल कोड 1860। किससे डील करता है इंडियन पीनल कोड? ऑफेंस से। किससे? ऑफेंसेस से, क्राइम से। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैम, ऑफेंस क्या होते हैं? ऑफेंस क्या होते हैं? जब हम सेक्शन 40 पढ़ते हैं, किसका? सेक्शन 40 पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड का। ये मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसमें, बीएनएस में कौन सा सेक्शन है ये। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन जब हम 40 पढ़ते हैं, तो वो बताता है ऑफेंस की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? ऑफेंस की। यदि हम जनरल रूल में देखें, मतलब जनरल इंटरप्रिटेशन में देखें, ऑफेंस का मतलब कोई भी एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ। क्या बोला? कि कोई भी एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ हो। लेकिन ये तो, ये जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, जिसको मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है जिसने लॉ नहीं पढ़ा है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा भी है, उससे मैंने पूछा 8 साल के बच्चे से कि अपराध क्या चीज है, तो वो बोलता है कि पुलिस वाला जिसमें जेल में बंद कर देता है, या उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बस यही पता है कि कोई भी एक्ट जिसका पनिशमेंट है। लेकिन ऑफेंस के डेफिनेशन जब हम इंडियन पीनल कोड में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ऑफेंस के अंदर एक्ट और ओमिशन। जब आप मतलब आप हमारी यदि मेरी क्लास में हो, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें कि भाई एक्ट के साथ में ओमिशन, कि कोई काम करना या कोई काम नहीं करना, ठीक है, विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ, इसे कहा गया है ऑफेंस। कि जिसे लॉ के द्वारा, ऐसी किसी भी चीज को नहीं, किसी इंसान ने ऐसे बोल दिया कि तुमने यदि ऐसा काम किया तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं है। ऐसा एक्ट, और अलोंग विद एक्ट जब आप सेक्शन 33 पढ़ेंगे, किसका? इंडियन पीनल कोड का, तो वहां लिखे रहते हैं ये सारी चीजें, एक्ट और ओमिशन। तो क्या याद रहा, याद रहेगी आपको ऑफेंस की डेफिनेशन? एक बार हैंड रेज करो, एक्ट। और कभी भी आप एक्ट लिखकर आओगे इंडियन पीनल कोड में, या कभी भी आगे से बीएनएस में ऐसी चीजें लिखकर आओगे, तो एक्ट के साथ में कभी भी आपको ये शब्द नहीं भूलना है, एक्ट और ओमिशन, कि कोई चीज का करना या कोई चीज की भूल, आपने कोई चीज नहीं करी है, विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं, मुझे अभी सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, सीआरपीसी में शायद 2N में है, यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताना। 2N में बताया गया है, सीआरपीसी में सेम डेफिनेशन की कही गई है, विच इज मेड पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड। वह सेम बात लिखी है कि ऐसा एक्ट और ऐसा ओमिशन जिसे इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल किया गया है, या एनी अदर लॉ। अब ये मैम, एनी अदर लॉ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ऐसा थोड़ी है कि आपने इंडियन पीनल कोड में तो कहीं ये नहीं बताया कि आपने रेड लाइट तोड़ी है। रेड लाइट तोड़ी है तो आपको क्या मिलेगा? आपको सजा मिलेगी। तो वहां पे जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है विच इज मेड पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ। ठीक है, ये होता है ऑफेंस। डन। अब स्टार्ट करते हैं इंडियन पीनल कोड।
किसी आप लोगों को पता होगा व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ और व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ। अब किसी को नहीं भी पता है तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेस से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कौन से लॉ होते हैं जो किसी पार्टीज की राइट्स, लाइबिलिटीज या किसी चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं, और प्रोसीजर मतलब जो प्रोसीजर्स बताते हैं। अब इंडियन पीनल कोड किस तरीके का ऑफेंस है, गौरांश यदि क्लास किस तरीके का एक्ट है, यदि गौरांश क्लास में हो, सब्सटेंटिव एक्ट है या प्रोसीजरल एक्ट है। मैम सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है, और इंडियन पीनल कोड, सबसेंटेड। ऑफ कोर्स इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड क्या बताता है? इंडियन पीनल कोड में कहीं भी किसी तरीके का प्रोसीजर दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। तो इंडियन पीनल कोड क्या है? एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। तो मैम इसका प्रोसीजर, भाई आपको मान लीजिए आपने किया है चोरी का ऑफेंस, तो ये बताया गया है इंडियन पीनल कोड में, लेकिन आपको अरेस्ट करके लेकर जाया जाएगा या नहीं लेकर जाएगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, या बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है, कोर्ट आपको कितना टाइम तक, मतलब पुलिस आपको कितने टाइम तक कस्टडी में रख सकती है, या मतलब आपको कितने घंटे के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये सारे प्रोसीजर आपको बताता है कौन सा, इंडियन पीनल कोड का जो प्रोसीजर बताता है सीआरपीसी, ठीक है। सिविल केसेस का जो प्रोसीजर बताता है वो बताता है सीपीसी। तो एक क्वेश्चन आपका प्री के हिसाब से ये भी तैयार हो गया कि इंडियन पीनल कोड क्या है, एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। किस तरीके का लॉ है? एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। और जो इसकी इसका ट्रायल होता है, तो ये भी याद रख लो कि इंडियन पीनल कोड का जो इंक्वायरी, जो इन्वेस्टिगेशन या जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो कहाँ दे रखा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सीआरपीसी 1973 में दे रखा है। मतलब जो भी इसका ट्रायल होता है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो किसके अंदर कहा गया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कहा गया है। अब बताइए कि भाई इंडियन पीनल कोड 1860 है, तो इसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो रही होगी। तो क्या था, समझो, जब पहले एक पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात, 1860 से भी पहले, लाइक मैं मानती हूँ 1834 की बात है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, उससे पहले की बात, जब इंग्लिश लॉज चलते थे, तो उस टाइम ऐसा था, आई फॉर आई, कभी सुना होगा, इसने इसने मेरी आंख तोड़ दी तो मैंने भी इसकी आंख तोड़ दी, इसने टिट फॉर टैट जैसी सिचुएशन थी, इसने मेरे दांत तोड़ दिए तो उसने भी मेरे दांत तोड़ दिए। क्या सिचुएशन होती थी 1860 से पहले, मतलब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, कुछ एक है ना फॉर्मल, मतलब कुछ एक फॉर्मल क्या नहीं था, लॉज नहीं थे, कुछ एक फॉर्मल लॉज नहीं थे कि भाई इंडियन, भाई मान लीजिए कि क्या हुआ, एक विक्टिम है, एक विक्टिम के पारुल ने दांत तोड़ दिए, ठीक है। तो यदि पारुल इस विक्टिम को कॉम्पनसेशन दे देती थी ना, क्या दे देती थी, कॉम्पनसेशन दे देती, तो ये सेटिस्फाइड हो जाता था, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ फॉर्मल चीज थोड़ी हुई, आपने इसको कि भाई पारुल ने इसको 20,000 का कॉम्पनसेशन दे दिया, इसने दांत तोड़ दिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो इंडियन पीनल कोड का जो एप्लीकेबिलिटी हुई, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि यदि आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको इतनी सजा मिलेगी, ठीक है। कुछ इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस बताई गई, प्रोविजन बताई गई कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने मर्डर किया है, मान लीजिए पारुल नाम की लड़की ने एक मर्डर किया है, तो ये ऑफेंस है। इसके बाद में बताए गए प्रोविजो कि यदि पारुल, यदि 7 साल से कम की लड़की है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस में आएंगी ये चीजें, प्रोविजो बताए गए कि ये लड़की 7 साल से कम की लड़की है तो नहीं, इसने मर्डर भी किया है तो इसको कोई सजा नहीं होगी। इसके अंदर और क्या बताए गए, इसके अंदर बताए गए इलस्ट्रेशन, सॉरी सजा, पनिशमेंट। जब हम किसी भी सेक्शन को देखेंगे इंडियन पीनल कोड में, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? ऑफेंस बताया गया है, फिर कोई प्रोविजो है, कोई प्रोविजो मतलब होता है अपवाद। अपवाद हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए, जनरल रूल तो होता है लेकिन अपवादों को ध्यान में रखकर क्या पढ़ना चाहिए, जनरल रूल कि ये ऑफेंस तो है लेकिन प्रोविजो यदि ये कहा गया है तो पहले ये पढ़ा जाएगा। थर्ड नंबर पे दी गई है उनकी पनिशमेंट। और यदि अपन इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, तो इसके अंदर दिए गए हैं हर एक, मतलब मोस्टली हर एक सेक्शन के नीचे इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो समझ में आया? अब क्या लिखा हुआ है, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं बताती हूँ। देखिए 1834 में
कुछ बात हुई होगी, फिर 1837 में कुछ बात हुई होगी, फिर 1845, ठीक है, फिर ऐसे मतलब 1834 में ये ऐसा कुछ लगा कि यार इन चीजों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड कर देना चाहिए, ऐसे आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, टीट फॉर टैट, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसको लागू होते होते मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते होते हो गए 1860, इतने 16 साल। मतलब जब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कि इंडियन पीनल कोड अप्लाई हो जाना चाहिए, तो 1860 में इनेक्टमेंट किया गया। मैंने सुबह भी यदि किसी ने क्लास ली होगी तो मैंने बताया था इनेक्टमेंट किया गया है 1860 में, लेकिन एनफोर्समेंट में कब आया है, 1862 में। और जनरली कभी भी हम क्या देखते हैं, लॉज देखते हैं, एक्ट्स देखते हैं, उसमें एनेक्टमेंट की डेट रहती है, एनेक्टमेंट का ईयर रहता है, तो इसलिए आईपीसी 1860 लगाया जाता है, ठीक है। और ये एनेक्ट कब हुआ था याद रखो, यदि प्री में आ जाए 6 अक्टूबर 1860 को। और इन्फोर्समेंट में कब आया था, मतलब गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो साइन किया था वो साइन किया था 6 अक्टूबर 1860 को, और इन्फोर्समेंट में आया था 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। और कुछ देखते हैं क्या क्या चीजें, इसको फादर ऑफ आईपीसी लॉर्ड मैकुले, याद रखना है इसका नाम, फादर ऑफ आईपीसी लॉर्ड मैकुले। ये नोट्स में भी हम देख लेंगे, इसकी स्पेलिंग देख लेना कुछ गलत गलत हो, लेकिन मैकुले आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम शायद थॉमस, एक बार मैं वो भी देख लूंगी कि इनका पूरा नाम क्या था, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड के जनक कहा जाता है इनको, फादर कहा जाता है लॉर्ड मैकुले। थॉमस मैकुले, हाँ जैसा एक बार मैं नोट्स में पूरा नाम लिख दूंगी, थॉमस मैकुले, मुझे याद मतलब पूरा बीच का शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन थॉमस जो भी है वो एक बार देख लेंगे। अब देखिए और क्या हो सकता है, देखो हमने एक पॉइंट देखा आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा पॉइंट देखा थॉमस मैकुले जो है इनके फादर है मतलब इसके जनक है, 1860 में ये एनेक्ट हुआ था, इन्फोर्समेंट में 1862 को आया था, कैसा है सब्सटेंटिव है मैंने आपको बता दिया, इसका जो प्रोसीजर बताया गया है इंक्वायरी ट्रायल वो बताया गया है किसके अंदर, सीपीसी सीआरपीसी के अंदर। फिर अब बात होती है कि आईपीसी कहाँ एप्लीकेबल रहता है, आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो आईपीसी होल ओवर इंडिया मतलब पूरे संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं बेयर एक्ट्स में तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पुराने बेयर एक्ट्स है ऑफकोर्स, लेकिन क्या लिखा हुआ, थॉमस बेबिंगटन मैकुले, ठीक है, इसका पूरा नाम है, एक बार हम लिख भी देते हूँ, थॉमस ठीक है। अब बात होती है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आपको पता है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आर्टिकल 370 जो भी हुआ अमेंड वगैरह हुआ उसके बाद में जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये संपूर्ण भारत पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी क्या होने लग गया, अप्लाई होने लग गया। इससे पहले क्या चलता था जम्मू एंड कश्मीर में, किसी को आइडिया, रणवीर पिनल कोड, इसके पहले कौन सा चलता था, रणवीर पिनल कोड चलता था, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है, जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए, हमने 5-6 प्री के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, ये सब मैं नोट्स में भी पढ़ाऊंगी, ये सब मैं आपको नोट्स में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है अभी मैं आपको रिवाइज अभी मैं पढ़ा रही हूँ और नोट्स में आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लेट के क्लास मत लीजिए, अदरवाइज वीडियो ऑफ कर लीजिए। दूसरी बात, अब आइए और क्या क्या बात होती है और अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ। देखिए अब क्या होता है, हमने बात करी क्राइम की, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ऑफेंस में डिफरेंस क्या है, क्राइम में डिफरेंस क्या है, ऑफेंस की डेफिनेशन जो है बहुत संकुचित है, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, क्राइम के अंदर 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मतलब बेसिक एसेंशियल होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए इसके अंदर, क्राइम के अंदर जब हम पढ़ेंगे नोट्स में, तो ह्यूमन बींग, ये जो क्राइम करने वाला इंसान मतलब पर्सन है वो क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या कंपनी आती है, क्या जानवर आते हैं, ठीक है, क्या
क्या ह्यूमन बीइंग को डिफाइन किया गया है आईपीसी में, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट है क्या ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट मीन्स क्या, क्या चीज, मान लीजिए कोई भी, मतलब यदि हम ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक चीज बताती हूँ, ऑफेंस की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड रहती है, एक्टस रिया और मेंस रिया। मान लो मेरे सामने एक सोने की घड़ी पड़ी है, मान लीजिए रश्मि की घड़ी पड़ी है, और वो कहीं पे मूव हो रही है रश्मि, तो मुझे लग रहा है यार कितनी सुंदर घड़ी है, कितनी सुंदर घड़ी है, मैं इसको उठा लू क्या, तो मैंने सिर्फ सोचा ही है, अभी उसको उठाया नहीं है। एक्टस रिया मतलब कृत्य मतलब काम, मेंस रिया मतलब मेरा माइंड, गिल्टी माइंड, अभी तक जस्ट मैंने सोचा है कि मैं उस घड़ी को उठा लू क्या, ठीक है, तो सिर्फ उठाना ही, सिर्फ उठाने की सोचना ही ऑफेंस नहीं है, उठाने की सोचना ही ऑफेंस नहीं है। मान लीजिए कि आप, इसका एक केस लॉ भी था वो मैं बताऊंगी, मान लीजिए आपको आपको दिख रही है या किसी इंसान को दिख रही है पैसे की गड्डी, ठीक है, किसी की जेब में, अब वो सोच रहा है कि मैंने सबको ही हो रही है या नो दी नो मैम नहीं हो रही नो मैम कुसुम मैम आपके एक बार आपके नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, हाँ ठीक है, वॉच के बारे में मैं बोल रही थी कि जस्ट मेरा सोचना ही ऑफेंस नहीं है। यदि आपको किसी चीज को ऑफेंस में कन्वर्ट करना है तो वहां पे मैंने रश्मि की घड़ी को चुराने के बारे में सोचा, ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन सोच के बट अलोंग विद गिल्टी माइंड मैंने उसको उठा लिया या मूव कर दिया उस वॉच को, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। आई होप समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी, ये एग्जाम्पल समझ में आया, ऑफेंस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है ऑफेंस की, एक्टस रिया प्लस मेंस रिया। एक बार हैंड रेज करो क्योंकि आईपीसी का बेस है, आईपीसी का बेस है एक्टस रिया प्लस मेंस रिया। अब मैम इसका फोर्थ एलिमेंट है अकम्प्लिश। मैम अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, क्राइम के प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तो ये सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड और थर्ड एक्टस रिया, ठीक है, थोड़ी बहुत क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए डेफिनेशन में, जो भी है फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स में, तो एक बार माफ कर देना, एक्टस रियस और मेंस रियस। अब आइए, ये एक्टस रिया मैंने, अब जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल था, ठीक है, मुझे केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर क्या था, एक पर्सन था, एक पर्सन ने क्या करा, वो है ना एक ऑफिस में काम करता था, तो ऑफिस में ना बारिश का टाइम था, तो अम्ब्रेलास टंगे हुए थे, उसके कलीग के अम्ब्रेलास भी टंगे हुए थे, उसके खुद के भी अम्ब्रेलास टंगे हुए थे, और वो क्या करता है, वो गिल्टी इंटेंशन से एक अम्ब्रेला उठाकर लेकर आ जाता है, उसका इंटेंशन क्या है, गिल्टी इंटेंशन है, लेकिन जब घर आता है तो उसको पता चलता है वो तो खुद का ही अम्ब्रेला चुरा के लेकर आ गया, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं है। एक्टस रिया होने में भी क्या होना चाहिए, एक्टस रिया होने में भी कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो ऑफेंस को क्या करे, प्रूफ करे, ये हम और आगे नोट्स के एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी जस्ट हम समझ रहे हैं कि आपको क्राइम, जब हम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग, सेकंड हमने पढ़ा मेंस रिया, थर्ड हमने पढ़ा एक्टस रिया, और फोर्थ हमने पढ़ा इंजरी। ये चाहे मेंस रिया हो चाहे एक्टस रिया हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को इंजरी होनी चाहिए। बहुत सारे एक्सेप्शन है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इंजरी, क्राइम के चार तत्वों में सबसे पहली चीज ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, और इंजरी होनी चाहिए। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ऊपर ऊपर से समझ में आ गया, मैं नहीं बोल रही 100%, मैं बोल रही हूँ 5% भी समझ में आ गया कि चार तत्व होने चाहिए, चार एसेंशियल्स होने चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन क्या आता है। आपने कहा मैम ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग को इंडियन पिनल कोड में कहीं डिफाइन किया गया है क्या? जी नहीं, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया इंडियन पिनल कोड में ह्यूमन बीइंग को, लेकिन किसको डिफाइन किया गया है, कोई बताएगा किसको डिफाइन किया गया ह्यूमन बीइंग को नहीं किया गया तो? पर्सन और मैन वुमेन, मैन वुमेन, देखो दो चीजें लिखी हुई है, मैन वुमेन और पर्सन,
जब ह्यूमन बींग की बात हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन वुमन, तो मैन वुमन का मतलब है जो जानवर है, जो जानवर है वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। वो इसमें ऐसा नहीं है कि गाय ने मारा तो गाय को आप इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या कर दोगे, पनिश कर दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही पर्सन की, लेकिन जब आप पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हो, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कंपनी ने ऑफेंस किया है तो क्या कंपनी, यहाँ पे आपने पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया कंपनी, क्या कंपनी मर्डर कर सकती है क्या, कोई बताएगा, कोई बताएगा, कंपनी मर्डर कर सकती है क्या, कंपनी रेप कर सकती है क्या, या कंपनी मतलब ये सारी चीजें नहीं कर सकती। तो किसी ने कहा कि पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी तो इंक्लूड है, लेकिन ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो सिर्फ क्या कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, उसमें पनिशेबल किया जाएगा, कंपनी को इन ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात, कंपनी को आप डेथ की पनिशमेंट दे सकते हो क्या, या कंपनी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हो क्या, तो नहीं दे सकते हो। तो कंपनी कैसे लाइबल है, कंपनी को तभी लाइबल किया जा सकता है जब पनिशमेंट किसकी हो, फाइन की हो या पैसों की हो, समझ में आया। पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी को तो इंक्लूड कर दिया, पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी को तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मर्डर की सजा में फंसा दोगे, या आप उसको फंसा दोगे क्या, मर्डर की सजा में पनिश कर दोगे, या आप उसको किसी का रेप करने की सजा में पनिश कर दोगे, आप नहीं कर सकते हो, वेदर इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, या आप कंपनी पर डेथ की पनिशमेंट नहीं लाइबल कर, उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते हो, या उस पे लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं ठहरा सकते हो। लेकिन कब आप लाइबल ठहरा सकते हो, जब पनिशमेंट किसकी हो, फाइन की हो, याद रहेगा। ये हम अब करेंगे डेफिनेशन क्लॉज में, और बाकी चीजें धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी। देखिए यहाँ एक्चुअली मैं नोट्स क्या बनाती जा रही हूँ, इंडियन पीनल कोड के साथ में भारतीय न्याय संहिता के नोट्स इसलिए बनाती जा रही हूँ क्योंकि इन कंपैरिजन आपको पता लग पाए कि चीजें क्या क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो नोट्स मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ये भारतीय न्याय संहिता के है, लेकिन इसको मैं आपको सिर्फ अभी ऑफेंस के डेफिनेशन और ये क्राइम की स्टेजेस इनके बारे में ही बताने के लिए ओपन कर रही हूँ। अदरवाइज नोट्स आपको इंडियन पीनल कोड के ही मिलेंगे यदि आप क्लास को कंटिन्यू करते हो तो। आ जाइए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो सारी चीजें हमने पढ़ी, देखिए ये तो भारतीय न्याय संहिता है, अपने जो भारतीय इंडियन पीनल कोड में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन है। ये सब आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्रीन पे खुल गया है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर अपने 23 चैप्टर है इंडियन पीनल कोड में, जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो उसमें 20 चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाइए, हमने पढ़ा ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, चलो ये पहले देख लेते हैं जो हमने पढ़ लिया। डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस सेक्शन 40, यहाँ पे 224 BNS का है, लेकिन सेक्शन 40 इंडियन पीनल कोड का कहता है एनी एक्ट और ओमिशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय IPC इज एन ऑफेंस, और एज पर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लेकिन CRPC एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स इज एन ऑफेंस। ये दोनों डेफिनेशन कभी भी, अब देखो आपको मेंस में लिखने का तरीका बताते हैं। डेफिनेशन आई ऑफेंस की, हर जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, वो इंसान, देखो मैं आपको कई बार बताती हूँ, एक चीज होती है पढ़ना और एक चीज होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जब कोई इंसान केवल पढ़ रहा है, जब कोई इंसान केवल पढ़ रहा है तो उसको जब, यदि मान लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस, तो वो इंसान क्या करके आएगा, मीन्स में केवल सेक्शन 40 इंडियन पीनल कोड की डेफिनेशन लिखकर आएगा। लेकिन यदि किसी पर्सन ने कैसे एक्सपीरियंस किया है, कैसे पढ़ा है इंडियन पीनल, कैसे पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट को इंटरकनेक्टेड करते हुए,
उसने मेंस की सीरीज भी ली थी, उसने कहीं अच्छी जगह से पढ़ा था, जिसने कहा था जब ऑफेंस की डेफिनेशन आए तो तू इंडियन पीनल कोड की भी लिख कर आना और स्टार लगाकर सीआरपीसी की डेफिनेशन लिख कर आना। तो जो इंसान इंडियन पीनल कोड की डेफिनेशन लिख कर आएगा ना, 3 में से उसको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और जिसने स्टार लगा के सीआरपीसी की डेफिनेशन भी लिखी होगी उसके अंदर, तो उसको 3 में से 2 या 3 में से 2.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और यदि आप मेरी क्लास में हो तो मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगी कि आपको एडिशन में क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये जो आधे आधे नंबर होते हैं ना, ये आधे आधे नंबर आपको आपके इंटरव्यू से दूर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्री इजिली क्लियर हो जाएगा, मेंस इजिली क्लियर नहीं होगा। हाँ, जिसको लिखना है, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप जिसको, आपको जो भी इंटरकनेक्टेड सेक्शन आते हैं अब, लेकिन एक चीज मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी, देखो प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस इजी वे में क्लियर नहीं होता है, इवन दो इंटरव्यू तो लक का गेम है। इंटरव्यू किसका गेम है? इंटरव्यू लक पे डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा है, ठीक है, लेकिन जो मेंस होता है ना, मेंस आपके हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क पे भी, हार्ड वर्क पे भी नहीं करता। हार्ड वर्क मैम, अभी जैसे किसी ने लिखा कि एविडेंस की भी लिख दें क्या, एविडेंस में कहाँ डिफाइन है मुझे नहीं पता, ऑफेंस की डेफिनेशन है क्या, लेकिन एविडेंस के बारे में भी कुछ एडिशनल लिख दे क्या। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, समझना, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के जितना ही लिखो, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के जितना ही लिखो, 3 मार्क्स में आप ये मत सोचो कि मैं 5 मार्क्स के जितना लिख दूं। क्यों नहीं लिख दूं मैडम? क्योंकि जो मेंस का पेपर आता है 23 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं, एंड तक आपके जो एक एक सेकंड है, एक एक सेकंड है वो बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। इतना मत लिखो कि एडिशन हो जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आरजेएस 2021 में आया था आर्टिकल 12, ठीक है, 6 मार्क्स का आंसर था। आर्टिकल 12 पे मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था, मुझे सिंपल सिंपल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेरा इतना सही नहीं है, ठीक है, मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकती। आर्टिकल 12 में मुझे सिर्फ उसकी जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है वो आता था, और 2-3 केस लॉज आते थे, ठीक है, 2-3 केस लॉ आते थे। तो आप नहीं मानोगे, मैंने बच्चों की कॉपी देखी, मेरे को दिए 4.5 मार्क्स नंबर, क्योंकि मुझे पता था कि इतना ही लिखना मत सफिशियंट है। और जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आर्टिकल 12 पे आते थे कम से कम 15 और 20 केस लॉस। मैं नहीं पढ़ती, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था, मुझे आते थे 3 केस लॉस। अब कोई इंसान 15-20 केस लॉस में से 7 या 8 केस लॉस लिखकर आ रहा है, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इतने सारे केस लॉज लिखकर आ रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको जितना पेपर पेज दिया गया है, वो लोग भी ट्रिक खेलते, मतलब आरजेएस में तो भयंकर ट्रिक खेली जाती है कि आपको पेज का साइज बढ़ा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनको पता है बच्चा एंड तक नहीं पहुंचाना, उनको आपको सेग्रीगेट ही तो करना है, हर इंसान को इंटरव्यू तक नहीं लेकर जाना है, हर एक इंसान को इंटरव्यू तक नहीं लेके जाना है, वो आपको चलाकर बड़ा पेज देंगे, चलाकर बड़ा पेज देंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 पेज मिलेगा, ठीक है, या 3/4 पेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें ही लिखने, 10th 12th के जैसे नहीं लिखोगे, कॉलेज के जैसे नहीं लिखोगे, आपको ये सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी होती है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितना लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितना लिखना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितना लिखना है। इतना एडिशनल लिखने की कभी भी जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं है। पहले से ही अपना क्या करो, मेंस की सीरीज देख लो, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज होंगी वो देखो आप, है ना, तो उसमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि मुझे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में कितना आंसर लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि प्री मेंस इंटरव्यू में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब आओ देखो कहाँ पे आ गए मैम, आप ऐसा कुछ मटेरियल हमें प्रोवाइड करेंगे जिससे हमें मेंस का आंसर राइटिंग का आइडिया हो सके, लाइक हमें 3 मार्क्स में इतनी लाइन लिखे हैं, 6 में इतनी जाऊंगी, मैं बताती जाऊंगी आपको। जैसे कोई भी मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे भी जैसे मेंस में, जैसे मैंने आपको बोला ना, इसमें 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑफेंस का, यदि बाय चांस आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई तो ऑफेंस की डेफिनेशन में मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछेंगे, तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन में भी इतना क्विकली आपको लिखना है, और एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट सोचने का टाइम नहीं मिलता। यदि आप सोचोगे कि मुझे सोच के लिखना है, आप जजमेंट राइटिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
मैं बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी तो मैं बताती जाऊंगी आपको कि ऑफेंस की डेफिनेशन है। आपको एक सेकंड नहीं सोचना, जल्दी से लिख दो 40, सेक्शन 40 और 2N ऑफ सीआरपीसी। इतना सोचने का टाइम नहीं, जितना इंसान सोच के लिखेगा। मतलब सुंदर लिखना है, ऐसा नहीं है, सोच के आपके पास में आधा सेकंड रहा कि मुझे ये दोनों सेक्शन लिखने हैं, तो बस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मच सफिशियंट है, मच 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 सफिशियंट है। आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ऑफेंस। अब बताओ, कोई बता सकता है? गौरांश, आप ही, क्योंकि मैं, मेरे को स्क्रीन पे आप दिख रहे हो। यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ऑफेंस, तो आप क्या क्या लिखकर आते? मैम पहले तो आईपीसी का सेक्शन 40, ठीक है, देन 2N सीआरपीसी, देन उसके बाद इसका कोई एग्जांपल हो तो वो, ठीक है, और इलस्ट्रेशन वगैरह, अभी और हमने 4 जो पॉइंट्स पढ़े, एसेंशियल्स जो होते हैं वो। एसेंशियल्स पढ़ लिए ऑफेंस को हम, अब ऑफेंस और थोड़ा सा क्राइम को भी। अब ऑफेंस तो मेड पनिशेबल है, ऑफेंस का जो आइडेंटिकल वर्ड है क्राइम है, क्राइम की चारों स्टेजेस। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये ट्रिक आपको उस टाइम ही खेलनी पड़ेगी, उस टाइम ही खेलनी पड़ेगी कि अब जैसे मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स का, आपने लिखा ऑफेंस की डेफिनेशन, फिर आप सीआरपीसी, फिर ये 4 एसेंशियल्स, ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करोगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आप किसको डिफाइन करोगे, कम पर्सन की डेफिनेशन आ गई। ये मैं 6 मार्क्स, प्रिया मैम समझ रहे हो आप? यस मैम। पर्सन की डेफिनेशन, मैन वुमन की डेफिनेशन, पर्सन में भी क्या कंपनी आती है, इंक्लूड होती है, तो जी हाँ इंक्लूड होती है। इसके बाद में कि कब इंक्लूड नहीं किया जाएगा पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी को। अब ये 4-5 मेंस रिया, एक्टस रिया, ये बताया, इंजरी बताई, और भी ज्यादा, ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है। अब आया 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मैम और क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे क्या? ऑफेंस की स्टेजेस, स्टेजेस, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। तो यहां मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स की प्रिपरेशन करवा दी कि आपको यदि क्वेश्चन के नंबर बढ़ते जा रहे, यदि क्वेश्चन के नंबर बढ़ते जा रहे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 केस लॉ आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 केस लॉ आपके क्वेश्चन के आंसर में होने चाहिए, ठीक है, डन, याद रहेगी सारी चीजें छोटी छोटी। अब आइए नेक्स्ट, मैं आपको क्लास के साथ ही पढ़ाती जाऊंगी, जैसे मर्डर की डेफिनेशन हो गई, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेज वाइज स्टेज की, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुबह भी मैंने कहा था परीक्षा मंथन करके एमसीक्यू आती है, उसको खरीदो, क्योंकि क्या होता है, टीपीए हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एसआरए हुआ, लिमिटेशन हुआ, भाई साहब इनसे लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के आदमी 100 क्वेश्चन के आगे पीछे ही घूमेगा पेपर के अंदर, लेकिन इंडियन पीनल कोड हुआ, सीआरपीसी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सीपीसी हुआ, इसके अंदर 100 नहीं, इसके अंदर 10,000 क्वेश्चन बन सकते हैं। 10,000 भी बहुत बहुत कम बोल रही हूँ मैं। यदि आप क्लास को पढ़ रहे हो और आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, तो आपका पढ़ना, आपका फीस देना, आपका टाइम वगैरह सबकी वैल्यू 0 है 0। पढ़ो और एमसीक्यू करो, डेली एमसीक्यूज करो, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में एक एमसीक्यू की बुक होनी ही होनी चाहिए। आज के लिए भी नहीं, केवल आईपीसी के लिए नहीं, आपके पास में एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना, सुबह भी बोला मैंने, पढ़ना आपका 30% है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी प्रैक्टिस करना आपका 100% है, तभी आप जाकर क्या कर सकते हो एग्जाम में, एग्जाम में क्या कर सकते हो, अपना 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि एमसीक्यू कैसे आते हैं, जुड़वा भाई बहनों की तरह आते हैं, आपको ये भी लगेगा आंसर, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, ठीक है, वो आपका जुडिशरी का पेपर ले रहे हैं, वो आपका कोई 10th 12th का पेपर नहीं दे रहे कि अलग अलग ऐसे ऐसे देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि आपको सारे चारों के चारों आंसर सही लगेंगे। ऑफ कोर्स चारों आंसर सही नहीं है, जिसने ज्यादा डीप में पढ़ा होगा उसको एक आंसर पता होगा, और जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा उसको 4, मतलब कुछ लोग, पता है आपको मैं एक्चुअलिटी बताती हूँ, क्योंकि मैं कितने लोगों से मिल चुकी हूँ, ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें पूरा आईपीसी पता है,
पूरा इंडियन पीनल कोड पता है, क्या पता रहता है उनको, सेक्शन नंबर। और सेक्शन नंबर में जैसे 354D स्टॉकिंग के बारे में बात करता है, तो उन्होंने सिर्फ ऊपर से पढ़ लिया प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टॉकिंग के बारे में बात करता है, उससे पूछ तो लो डेफिनेशन, ठीक है चलो प्री में पास हो गया। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉकिंग, क्या लिखोगे, किसी लड़की का पीछा करना, इस तरीके से आप शब्द लिख कर आ सकते हो क्या, नहीं लिख कर आ सकते। तो आपको ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं डेफिनेशन क्लॉज में अलग अलग याद करना भी सिखाऊंगी, एक्टस रियस क्या है, उसका मेंस रिया क्या है, ठीक है, सोशल मीडिया पर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो वो भी स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आता है। आपसे पूछा गया वॉयरिज्म जो भी बोलते हैं इसको, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तो मुझे याद नहीं है, शायद 354B या सी, सी 354C। भाई अभी किसी ने, मैंने पूछा इंडियन पीनल कोड IPC बहुत हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन आईपीसी एक स्मार्ट, मतलब स्मार्ट, आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आईपीसी को पढ़ने के लिए, क्योंकि सेम डेफिनेशन लगती है, सेम लगेगी आपको थेफ्ट की, सेम लगेगी आपको एक्सटॉर्शन की, सेम लगेगी आपको डकैती रॉबरी, मतलब स्टेज बाय स्टेज ही चीजें चल रही है, लेकिन क्या चेंज हो रहे हैं, एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि मैम हमें पूरा आईपीसी आता है क्योंकि हमें सेक्शन नंबर पता है, सेक्शन नंबर नहीं जाना आपको, इसकी डेफिनेशन किसमें जाना है, डेफिनेशन में जाओगे आप अच्छे से जजमेंट राइटिंग कर पाओगे। यदि आपको एलिमेंट पता है, डेफिनेशन के कंटेंट्स पता है, तो अच्छे से जजमेंट राइटिंग करोगे। अभी आपने स्टॉकिंग की डेफिनेशन देखी ही नहीं है, 354D, आप जजमेंट राइटिंग में कुछ नहीं कर पाओगे स्टार्ट, क्योंकि आईपीसी बेस है, किसका बेस है, आईपीसी पूरे जजमेंट राइटिंग का। यदि क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग आती है तो आईपीसी क्या है, बेस है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है ऐसा मत सोचना कि मैम, हाँ बताओ दीपांशी। मैम मतलब मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और मैम मेरा एग्जाम होगा, मतलब जुडिशरी का एग्जाम, और मतलब दो ढाई तीन साल बाद होगा, तो मैम ये आईपीसी तो अमेंड हो चुकी, तो मैम मैं नई वाली आईपीसी पढ़ू या न्यू वाली पढ़ू। मैम आप करंट वाली पढ़ो, आईपीसी अमेंड होकर, मैम एक्ट एसरिया की डेफिनेशन चेंज होगी क्या, मुझे बताओ, आप बताओ, इंटेंशन गिल्टी माइंड मींस ये की डेफिनेशन चेंज होगी क्या, थेफ्ट की डेफिनेशन चेंज होगी क्या, चोरी तो चोरी रहेगी ना, चोरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी की रहेगी, ऐसा थोड़ी कि भारतीय न्याय संहिता में ये लिख दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, बताओ लिखा है क्या ऐसा दीपांशी, सिर्फ सीरियल नंबर चेंज हुए हैं, आप समझने की कोशिश करो। आप देखो क्या होता है, जो एक मकान की नींव रहती है ना, ठीक है, आप जब मकान की नींव रहती है ना, वो तो क्या रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, ऊपर आप कितना ही पेंट कराओ, कितनी पॉलिश कराओ, ठीक है, एक इंसान है, आप इंसान को ऊपर ऊपर की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन जब तक अंदर की चीजें नहीं पता चल जाएगी तभी तो आप, एक लड़का है बहुत सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, आप ऊपर से इंप्रेस हो गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम उससे बात कर रहे हैं तब पता चलता है कि इंटरनल चीजें क्या है, तो समझो इंटरनल जो चीजें हैं इंडियन BNS की वो सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है, वही सेम टू सेम थेफ्ट की डेफिनेशन है, रेप की डेफिनेशन है, और एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है, मर्डर की डेफिनेशन है, चेंज कंटेंट नहीं हुए हैं, सीरियल नंबर चेंज हुए हैं, याद समझ रहे हो, तो हमें करंट वन ही पढ़ना है, ये ओल्ड न्यू ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंस करके बता तो रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, नया एक्ट भाई, नए एक्ट का नोट्स बना रही हूँ, ऐसे तो मुझे बनानी नहीं चाहिए, पढ़ते पढ़ते मैं नए एक्ट के नोट्स भी तो बना रही हूँ, तो मुझे भी तो पता चले कि क्या डिफरेंस है, ठीक है अभी बात नहीं करते, चलो अभी बताती हूँ आगे। क्राइम क्या होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए, ऐसा ही नहीं, लॉफुल एक्ट, फॉरबिडन एंड पनिश्ड बाय द लॉ थ्रू द स्टेट मशीनरी ऑफ स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। मैंने क्या कहा, पारुल ने कहा है, पारुल ने कहा है मोहन को फांसी चढ़ेगी, पारुल कौन होती है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरबिडन होना चाहिए या पनिश्ड होना चाहिए थ्रू द मशीनरी ऑफ स्टेट, किसी राज्य के द्वारा या लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा, हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी। जो क्राइम होता है केवल एक पर्सन के, जब आप जजमेंट राइटिंग लिखते हो फॉर, जैसे मान लो एग्जाम्पल CPC सिविल केसेस है, ठीक है, तो दीपांशी वर्सेस पारुल रहता है,
सबको पता होना चाहिए ये केस की जब सिविल प्रोसीडिंग्स चलती है तो केस कैसे चलता है, पर्सन टू पर्सन चलता है, लेकिन जब ऑफेंस कमिट होता है तो वो केवल पर्टिकुलर एक इंसान के प्रति नहीं होता, क्या होता है सोसाइटी के, क्योंकि उससे क्या होते हैं सोसाइटी के जो तत्व हैं वो खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए पारुल मोहन नाम के पर्सन का मर्डर कर देती है तो यहाँ पे दीपांशी कौन होगा, मोहन वर्सेस पारुल होगा क्या, मोहन वर्सेस पारुल होगा क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, मतलब स्टेट वर्सेस पारुल होगा। समझ गए कि मोहन मान लीजिए राजस्थान में रहता था तो यहाँ पे मोहन का मर्डर करने पर मोहन वर्सेस पारुल नहीं होता। ये जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी है सीआरपीसी की जो स्टेजेस है वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोहन स्टेट ऑफ राजस्थान का पर्सन है तो यहाँ पे होगा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पारुल, वर्सेस पारुल। आई होप ये छोटी छोटी चीजें ये जो जजमेंट राइटिंग के बेस पे मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है आज नहीं लिखोगे, आज के बाद 3 साल बाद तो जज बनोगे, कभी ना कभी तो बनी जाओगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार हैंड रेज कर दो कि सिविल प्रोसीडिंग में कैसे लिखा जाता है केस का नाम और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कैसे लिखा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट और देखते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर में इंडियन पीनल कोड है वो केवल पर्सन के प्रति हार्मफुल नहीं रहता बट कम्युनिटी सोसाइटी और स्टेट और इंजरीज जो पब्लिक वेलफेयर। अब देखो व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज, अ एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज पनिशेबल एज अ क्राइम। मैंने आपको बता दिया एक एक्ट क्राइम नहीं है जब तक कि उसे पनिशेबल नहीं बनाया जाता। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अब मैम ये क्या चीज है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कहीं यूट्यूब से देखा था, अच्छा लगा तो मैंने याद कर लिया। क्या बोला मैंने, एक अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जैसे मान लीजिए बाइगमी, जब हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं तो बायगमी पनिशेबल है, लेकिन मान लीजिए एक मुस्लिम पर्सन है और यदि मान लीजिए मैं क्यों बायगमी करूं, कोई एक पर्सन है वो बायगमी करता है, ठीक है हिंदू पर्सन है वो बायगमी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी इंडियन पीनल कोड में, क्योंकि वो अथॉरिटी ऑफ लॉ से क्या है बाउंड है। लेकिन मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सन है, उसके लिए तो बायगमी नहीं है ना, उसके लिए तो मैरिज अलाउड है, ठीक है किसी रीजन से यदि उसको मैरिज करनी पड़ जाती है तो इसके लिए अलाउ है। तो क्या आप उसको इंडियन पीनल कोड में क्या कर सकते हो, बाउंड कर सकते हो क्या, पनिश कर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। किससे बाउंड है ये पर्सन जो है, ये पर्सन ऑफ कोर्स मुस्लिम लॉ से, मुस्लिम लॉ में तो अलाउ है, ये इसके अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है याद रहेगा। आगे आ जाइए और ऑफ कोर्स जो क्राइम होते हैं क्रिमिनल चीजें होती है उनका क्या नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, क्या नहीं होता रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए मान लीजिए किसी ने सजा दी, अब ये कैसे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो मैं चोरी करी, ठीक है मैंने चोरी करी, रेट्रोस्पेक्टिव जब इंडियन पीनल कोड नहीं था उससे पहले थी कि चोरी की सजा 1 साल, ठीक है मैं आराम से 1 साल जेल में खाना खा के आई हूँ जेल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस दिन इंडियन पीनल कोड अप्लाई हो गया, चोरी की सजा कितनी है 379 में, कौन बताएगा अनुष्का ऑफेंस की सजा कितनी है चोरी की, तो इस दिन इंडियन पीनल कोड अप्लाई हुआ, ठीक है तो मैं भी तो इससे मतलब जब पहले मैं चोरी करके आई थी मैं 1 साल की जेल की हवा काट के आई हूँ आराम से, अब 3 ईयर्स इसकी सजा हो गई तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा क्या, मुझे बताइए अनुष्का ये तो बताओ, क्या मैं अब 2 साल की सजा और मतलब जाऊंगी कि जेल में, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा मतलब जब से लागू हुआ है उसके बाद से वो फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि कभी भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना इनका क्रिमिनल जो ऑफ एक्ट्स बनते हैं ठीक है उनका क्या होता है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बनते हैं, ठीक है तो हमेशा ये एक्सपोस्ट फैक्टो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रूल पे बेस्ड है,
अब आ जाइए, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर बेसिक एलिमेंट्स, पढ़ चुके हैं हम, ह्यूमन बीइंग, मेंस्ट्रिया, एक्टस्ट्रिया, इंजरी और हार्म। तो अब ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग में क्या लिखा हुआ है। द वर्ड ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड। यहाँ मुझे बीएनएस लिखना है क्योंकि मैं बीएनएस के नोट्स बना रही हूँ। बट द वर्ड मेंस एंड वुमेन्स हैव बीन हैव डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में क्या डिफाइन किया गया है, मैन और वुमेन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ह्यूमन मतलब क्या बोला कि ह्यूमन बीइंग रॉन्गफुल एक्ट कमिट करेगा, इट मींस एनी नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स आर नॉट कंसीडर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है स्नेहा? ठीक है, क्यों ह्यूमन बीइंग कमिट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में लाया जाता है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ऐसे तो क्या होता है डॉली इम्पैक्स, सात साल से कम का पर्सन यदि ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जब हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 11 इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं तो पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड होती है और एसोसिएशन इंक्लूड होता है, बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड होता है और आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन इंक्लूड होते हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में क्लैरिफाई किया था कि अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दोज क्राइम्स व्हिच कैन ओनली बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग सच एज रेप, बाइगमी, मर्डर एटसेट्रा। सिमिलरली अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दोज क्राइम्स which are punished by death or imprisonment, but a company can be held guilty of those crimes which are punished exclusively or alternatively with the fine. ठीक है, हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें सीख ली है इंडियन पीनल कोड के। ये क्या है, ये सेक्शन 1 आईपीसी का सेक्शन 1 तो बहुत बाद में आता है, बहुत ज्यादा बाद में आता है ये सारी चीजें। लेकिन आपको बेस क्लियर होना चाहिए कि क्या मेंस्ट्रिया है अंकल, और अच्छे से कि क्या विदाउट एक्टस्ट्रिया भी, मतलब काम करे बिना भी क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है क्या? किसी को एग्जाम्पल पता है क्या इसका? सिर्फ सोचना ही अपराध है काम करना की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है मुझे भी एग्जाम्पल? वेजिंग वॉर नहीं, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैंने बोला सिर्फ सोच नहीं, मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करना है, वेज कर मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये इसका एग्जांपल है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ सोचना, शायद 120A 120B जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो सिर्फ सोचना ही क्या है, ऑफेंस है। ये सारी चीजें हम कल देखेंगे मेंस्रिया, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, ऑफेंस इज इक्वल टू एमआर प्लस एआर। लेकिन यहाँ पे तो एआर का कंटेंट तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे केवल मेंस्रिया ही क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं पूछती हूँ, लाइक एक्टस्रिया, ऐसा कोई ऑफेंस जिसके अंदर केवल एक्टस्रिया मतलब सोचना ही, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैंने गलत इंटेंशन से ऐसा काम नहीं किया, तब भी वो ऑफेंस है, ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं? मैम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है। और कोई अच्छा सा एग्जांपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी एग्जांपल बताओ, लाइक समझो बायगमी, मैं क्या मतलब मोहन नाम का पर्सन बोल रहा है कि सर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे दूसरी शादी करनी है, लेकिन मैंने गलती से दूसरी शादी कर ली, क्या यहाँ पे इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, हिना मैम? Yes, yes, ma'am. यहाँ पे मेंस्रिया की जरूरत पड़ी क्या आपको? यदि मेंस्रिया हुआ ही नहीं तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि चल कोई बात नहीं, तेरे को छोड़ देते, तेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसा हो सकता है कि? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पर, ये एग्जांपल, ये तो क्या है, ये जनरल रूल है। हमेशा इंडियन पीनल कोड को हम किसके जैसे पढ़ेंगे, हम इसके एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे। तो एमआर प्लस एआर तो है जनरल डेफिनेशन, ये इक्वेशन तो है, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर केवल एमआर मतलब मेंस्रिया, सिर्फ सोचना ही क्या है, अपराध है, जिसके अंदर एक एग्जांपल जो मोस्टली यही आएगा
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि आप किसी को कुछ भी गलत करने की क्या करवा रहे, बना रहे हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना रहे हो। और एआर केवल एक्ट करना ही विदाउट मैलिशियस इंटेंशन ही क्या है, ऑफेंस। ठीक है, और एक चीज और देखते हैं। चलो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ये सारे बेस हैं, ये सारा बेस है। अभी इंडियन पीनल कोड स्टार्ट नहीं हुआ, इंडियन पीनल कोड स्टार्ट होने में अभी 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं पनिशमेंट की थ्योरी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। ये अभी मैंने सिर्फ मेंस रिया तक बताया, ये कल मैं और डिटेल में बताऊंगी। ह्यूमन बीइंग का अपने कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं, कल मैं आपको मेंस रिया, एक्टस रिया और ये इंजरी वगैरह सब बताऊंगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैम, एक डाउट था, क्वेश्चन था, जैसे कि गोवा है, गोवा में यूसीसी चल यूनिफॉर्म सिविल कोड और अपना आईपीसी है। अभी आपने बताया कि कोई पर्सन 2 शादी करता है तो मुस्लिम लॉ में सही है, अपने आईपीसी में वो ऑफेंस है, तो मैम उधर पे आईपीसी प्रवेल कर जाएगा और मुस्लिम लॉ वगैरह कोई फैमिली लॉ उधर नहीं चलेंगे। यही है, नहीं, जो मुस्लिम लॉ है यदि वो मुस्लिम लॉ से बाउंड होता है, मुस्लिम पर्सन है यदि वो मुस्लिम लॉ से बाउंड होता है, उनके यहाँ पे अलाउ है। जैसे मुझे पता है 4 मैरिज अलाउ है, ठीक है, तो वहां पे ये स्पेशल लॉ है ना, फिर आईपीसी थोड़ी स्पेशल लॉ है। जहां पे जब हम इसकी सेविंग्स पढ़ेंगे, आईपीसी की सेविंग्स पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है स्पेशल लॉज, ठीक है, लोकल लॉज, कस्टम लॉज को उनके साथ में रह के, साथ में रहकर एनफोर्समेंट में आएगा, उनको प्रिवेल नहीं करेगा। तो मुस्लिम लॉ एक स्पेशल लॉ है, ठीक है मैम। यूसीसी है तो उसका फिर कहाँ है, यूसीसी कहाँ अप्लाई हुआ है, यूसीसी गोवा में है कब ना अप्लाई हो गया, मुझे नहीं पता मैम, नहीं अप्लाई हुआ। इंडियन पीनल, ये जो इंडियन पीनल कोड है संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं आया। गोवा में अप्लाई हुआ है कि कोई यूसी नहीं हुआ ऐसा कुछ? जी मैम, एक बार देख लो। अब देखते हैं पनिशमेंट, वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दू। सबसे पहले रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, क्या कर रही हूँ मैं, बदला ले लू। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब होता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, मेरा दांत तोड़ा मैं तेरा दांत तोड़ दूंगी। ये होती है एक रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, अभी एनफोर्समेंट में नहीं है, लेकिन वेरियस थ्योरीज ऑफ वेरियस थ्योरीज की पनिशमेंट है। एक होती है प्रिवेंटिव थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी ऑफेंस के होने से पहले ही उसको क्या कर देना, रोक देना। कहीं पे कोर्ट को डाउट है या कहीं पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डाउट है कि न्यूसेंस क्रिएट होने वाला है, तो क्या लगा देगा, सेक्शन 144, कभी सुना होगा ना, धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, तो वहां पे किसी ऑफेंस को रोकने के लिए कि किसी ऑफेंस के होने की संभावना है, उससे पहले ही उसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये क्या होती है, प्रिवेंटिव थ्योरी। ये दिख रहा है आपको, रेट्रीब्यूटिव, बदले की भावना, प्रिवेंटिव, पहले ही क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। थर्ड होती है डेटरेंट थ्योरी, स्पेलिंग देख लेंगे जो भी होगी, डेटरेंट थ्योरी। इसके अंदर क्या है, लोगों के मन में ऐसा डरा दिया जाता है, जैसे किडनैपिंग करोगे या किडनैपिंग फॉर रिंसम करोगे तो आपको डेथ की पनिशमेंट, ऐसे कोई डरता नहीं है आजकल, लेकिन ये क्या है, ये डेटरेंट थ्योरी है। किसी इंसान के मन में डर पैदा कर देना, किसी इंसान के मन में डर पैदा कर देना ताकि वो ऑफेंस करे नहीं, ताकि वो ऐसा ऑफेंस नहीं करे, ये होती है डेटरेंट थ्योरी। एक होती है एक्सपायरेटरी थ्योरी, इसके अंदर यदि कोई इंसान क्या करता है, ऑफेंस करता है, तो उसको आइसोलेशन में डाल देते ना, जेल में डाल दिया जाता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना एक्सपायरेटरी थ्योरी में, फॉर एग्जाम्पल उसको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। और एक दो और देख लेते हैं, कुछ रह गया हो तो। देखिए, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। हाँ, एक होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मतलब क्या होता है, आपने सबने सुना होगा, किससे घृणा मत करो, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ये सुना होगा सबने कि ये कौन सी थ्योरी है, ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी।
कि मान लीजिए कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता है, कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता है, ऐसी परिस्थितियां उसको अपराधी बनाती है। मान लीजिए कोई इंसान चोरी करता है, कोई अच्छे घर का इंसान चोरी नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए उसकी गरीबी इस तरीके की है, सरकमस्टांसेस इस तरीके के है कि उसको चोरी करने पर मजबूर किया गया, मतलब चोरी करने पर वो मजबूर हो गया, तो इसलिए लिखा जाता है कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मान लीजिए गलती हो गई तो रिफॉर्मेशन का क्या दो, मौका दो ताकि वो सोसाइटी में वापस आ सके। ठीक है, तो कई एक्ट्स आए हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स आ गए, और जैसे कौन सा है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर हो गया, सीआरपीसी का सेक्शन 360 हो गया, जेजे एक्ट हो गया, छोटे बच्चे जो ऑफेंस करते हैं तो जेजे एक्ट की भाई उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है, 21 साल के होते हैं तो उनको अच्छे से अच्छा सा मतलब माहौल में उसको सोसाइटी में एंटर करने का मौका दिया जाता है। तो ये होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो हमने 5 थ्योरी पढ़ी, एक पढ़ी प्रिवेंटिव, एक पढ़ी एक्सपायरेटरी, एक पढ़ी हमने रिफॉर्मेटिव, एक पढ़ी हमने डेटरेंट, और एक हमने क्या पढ़ी, रेट्रीब्यूटिव। ये 5 तरीके की थ्योरीज है पनिशमेंट के। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। डेटरेंट थ्योरी, दिस थ्योरी, डेटरेंट मतलब डराना, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन डेटरिंग ऑफेंडर्स फ्रॉम क्रिमिनलिटी और रिपीटिंग द सेम क्राइम इन फ्यूचर। दिस थ्योरी इज अ लेसन टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट क्राइम। इट क्रिएट्स फियर ऑफ पनिशमेंट इन लाइक माइंडेड पीपल, कि जो अपराध करने वाले हैं उनके मन में क्या क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है। मान लीजिए कैमरा लगा दिया, थ्योरी नहीं है पनिशमेंट की, मान लीजिए कैमरा लगा दिया, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पे चोरी करूंगी तो कैमरे की नजर में आ जाऊंगी, तो ठीक है। या मैं यहाँ पे चोरी करूंगी, मतलब ड्वेलिंग हाउस में चोरी करते हैं तो 7 साल की सजा है, तो मैं सोचूंगी कि मैं एक काम करती हूँ, घर के बाहर खड़े होकर चोरी कर लेती हूँ, मुझे 3 साल की सजा मिलेगी। तो ये एक तरीके की डेटरेंट थ्योरी है कि आप घर के अंदर चोरी करोगे तो 7 साल की पनिशमेंट है। अब आओ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, बदले की भावना। This theory is based on the famous saying that tit for tat, eye for eye, teeth for teeth. The main motive of this theory is to inflict a similar amount of pain endured by the aggrieved party because of offender's activity. कि भाई तूने मुझे घूंसा मारा तो मैं भी तुझे घूंसा मारूंगी, इस तरीके की retributive theory. Preventive theory, before offense is stopped. मैं बता ही चुकी हूँ। अब reformative theory, पूछा जा सकता है आपसे। Nobody is indeed a criminal by the birth. Crimes sometimes happen accidentally or situationally. In this case, the offender should get another chance to rectify his mistake. For this, there is a facility of correctional homes, juvenile homes, training school, reformatories. For example, parole, ki shayad spelling galat hai, probation, JJ Act. Expiratory theory, put the person in the isolation. आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको इंडियन पिनल कोड का बेस क्लियर करने में क्या रही होंगी, सक्षम रही होंगी। छोटे छोटे जब आप जुडिशरी पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, और जिसने भी क्लास पूरी नहीं ली है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी इसका, रिकॉर्डेड क्लास का। थैंक यू सो मच।